to tell you that it's over. Hey guys, welcome back to my channel Fetching Beauty. कैसे हैं आप सब लोग? मैं रेखा आज आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप ट्यूटोरियल. शादी का सीज़न आ रहा है तो मेकअप कैसे करें, तो मेकअप इस मेकअप को करने के लिए पूरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी आपको. डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाती जाऊँ. और मैंने प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, चेकआउट कर लेना गाइज. तो लेट्स गेट बिगिन. लूँगी मैं मेहंदी का वाइट बाकी जितने भी आपको डॉट एंड चीज़ें उसको निकल जाए. अब लगाऊंगी मॉइस्चराइजर अपने फेस पर. बहुत डव का मॉइस्चराइजर है. लगाऊंगी थोड़ा सी अपने पाम से ले लूँ. अब मैं पी ए सी का फाउंडेशन लगा रही हूँ. इसमें मेरा शेड है 2.5. अच्छे से स्किन में ब्लेंड करना है और जो बच्चों को आप रखे हमारे स्किन ब्लेंडर में वो सारा नेक पे लगना है. ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए. छोटे वाले हैं इसको अपवर्ड ऐसे डायरेक्शन में लगाना है क्योंकि हमारी स्किन की जो लेयर है वो नेचुरल लगे. फाउंडेशन को अच्छे से ब्यूटीफुल ब्लेंड करना है. एंड अब मैं लगाऊंगी इसके बाद मेबलिन का कॉम्पैक्ट ताकि अच्छी कवरेज मिले. एल.ए. गर्ल का प्रो कंसील है, इसे मैं डोम करूँगी. इसमें मेरा शेड है वॉर्म हनी. थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है. अच्छा आ जाओ एंड अब हाईलाइट के लिए मैं L.A. Girl का प्रो कंसील लगाऊंगी. उसके लिए बेहद मिली आप देख लो ब्लेंडिंग से कितना फर्क लगा है. मेरी जो नोज है थोड़ी कंट्रोल हो गई है, उसे थोड़ी कंट्रोल हो गई है. एंड इसमें मेरा शेड है क्रीमी पिंक. आपको अच्छा ट्रायंगल बनाना है इसमें. अगर कोई हाई कवरेज चाहिए तो ज़्यादा प्रोडक्ट लीजिएगा लाइक दिस. हमें सर डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में करना चाहिए ताकि जो हमारा ये आई है अपलिप करें. अच्छा नेचुरल कंट्रोल लग रहा है. अब मैं मेबलिन के पाउडर से सेट करूँगी कॉम्पैक्ट से. चलने हाई की मैं लगाऊंगी ब्लश. ये मेरे पास इन स्प्री का ब्लश है. नेचुरल सा फिनिश देता है ये. लगाऊंगी हाइलाइटर. ये रेवोल्यूशन क्लियर माइंड पैलेट है मेरे पास. इसमें मैं ये शैम्पेन पॉप कलर लगाऊंगी. अच्छा ये हाइलाइटर. अच्छा इसके अंदर 4 टोन है तो मैं ब्रॉन्जिंग के लिए ये वाला शेड ले रही हूँ ब्रॉन्ज करने के लिए. आपको दिखा होगा ब्रॉन्जिंग और कंट्रोलिंग है. अब मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी. मेरे पास ये मिनी शो का आईब्रो पेंसिल है, इसे मैं आईब्रो फिल करूँगी अपनी. ये 3-in-1 है. ये मैं ये पाउडर है, ये पाउडर से फिल करूँगी एक्सेस. अब इसमें मस्कारा है ऑलरेडी तो उसमें आईब्रो बनाई थी जन बोलते थे. मैं ब्लेंड हो जाएगा
मेरी आईज पर ब्लूम लगे। गाइस ये इनकी शेड ग्रे है, मैं ग्रे यूज कर रही हूँ। L.A Girl का प्रो कंसीलर ये लगा रही हूँ मैं आई बेस के लिए। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। ये कलर बोर्ड की पैलेट है, ब्यूटी ब्लेंडर कलर बोर्ड पैलेट। सबसे पहले मैं ले रही हूँ पीच कलर दिस वन। दोबारा ये पीच टोन ले रही हूँ। सेकंड मैं ले ये दिस पिंक कलर। ये ब्राउन कलर लूंगी, दिस ब्राउन कलर। मैं लूंगी ग्रीन कलर, दिस ग्रीन कलर लूंगी। नीचे भी लगाऊंगी क्रीम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको बिल्कुल क्लीन करूंगी। तो मैं ये वाला ग्लिटर लगाऊंगी, दिस लगाऊंगी लोअर लाइन पर। अब मैं लगाऊंगी मैक का जेल आईलाइनर। ये भी शेड ऑफ 89 ब्लैक ट्रैक प्रो लॉन्ग विद फ्लूट लाइन आईलाइनर जेल है।